ओके, तो जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है जेनेटिक कोड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया था, उस एनसीईआरटी सीरीज में, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में हम जेनेटिक कोड के बारे में बातें करने चल रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इसके पहले आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जान लिया था, और जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बारे में बताया था तो यह भी बता दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से हमने आरएनए का फॉर्मेशन करवाया था। और ये बात बहुत अच्छे से हमें सबको पता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि चाहे डबल स्टैंडर्ड हो चाहे आरएनए स्टैंडर्ड हो, इनका जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड बना किससे है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। बना किससे है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है। और जैसी हम बातें कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, यानी इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से हमें एक बड़ा यूनिक चीज मिलने जा रहा है, और वो यूनिक चीज एक कोड के भाषा में मिलने जा रहा है, और इसी कोड को हम लोग नाम क्या देते हैं, जेनेटिक कोड। अब होता क्या है, जैसे मैं कोई भी आरएनए की बातें कर लूं, ये मान के चलो कि आरएनए है ना, आरएनए का एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, अब आरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, एटीपी, यूरासिल वाला न्यूक्लियोटाइड्स, गुआनोसिन एंड साइटोसिन। इसी सीक्वेंस में ये सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है, ठीक है, एयूजीसी, एयूजीसी का ये सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। फिलहाल अपन समझने के लिए एयूजीसी का सीक्वेंस लिखते हैं। अब ये जो जेनेटिक कोड है ना, जेनेटिक कोड कब तैयार होता है, जब तीन न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एयूजी, तीन न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर दिखाई, सीएयू, जीसीए, यूजीसी, एयूजी, हमेशा तीन, यानी जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तीन न्यूक्लियोटाइड जब मिलता है तो एक कोडोन का फॉर्मेशन होता है, और यही कोडोन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। और एक कोडोन, ये जेनेटिक कोड किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करता है। क्या कोड करता है, ये किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, अब ये कोडिंग हो कैसे रहा है, आगे इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारी बातें करते हैं इसके लैंग्वेज में। दे रखा है जेनेटिक कोड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी कहने का मतलब क्या, कि जब हमने डीएनए से डीएनए बनाया था, एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहने का मतलब क्या, कि जब हमने डीएनए से आरएनए बनाया था, अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, यानी एक न्यूक्लिक एसिड से हमने एक नया न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया था। हेंस दीज प्रोसेसेस आर इजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पर इसे समझना बड़ा आसान है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर, पॉलीमर यानी यही जो न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रैंड है, यानी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी ये जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है, ये क्या हो गया, एक पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी हम क्या चाहते हैं कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हम जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर छिपा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को, यानी ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के इंफॉर्मेशन को हम किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो अमीनो एसिड के पॉलीमर में, अमीनो एसिड के पॉलीमर में। यही लाइन एक कहना चाह रहा था, दे रखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमीनो एसिड। ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री का रूल, कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल अप्लाई नहीं होता है, नॉर कुड बी कुड एनी बी ड्रॉन थियोरेटिकली। और इसे थ्योरी के भाषा में भी हम ड्रॉ कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंटरिटी का रिश्ता हम नहीं दिखा सकते हैं। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट
चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर कोई भी चेंज होता है देन दिस चेंजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन। यानी अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर कोई चेंजेज होता है, डीएनए के अंदर कोई चेंजेज होता है, आरएनए के अंदर अगर कोई चेंजेज होता है, तो उन चेंजेस के कारण फाइनली चेंज कहां हो जा रहा था, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड है उन अमीनो एसिड के अंदर चेंज हो जा रहा था। दिस लीड्स टू द प्रोपोजिशन ऑफ अ जेनेटिक कोड। यहीं से क्या स्टार्ट होता है, जेनेटिक कोड का रास्ता स्टार्ट होता है दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी यहां से हमें मैसेज मिला कि कोई ना कोई जेनेटिक कोड होता है और यह जेनेटिक कोड क्या दर्शाता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस, कब, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का जब सिंथेसिस हो रहा है, उस वक्त अमीनो एसिड का एक प्रॉपर सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। दे रखा है इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अगर बायोकेमिकल बायोमोलिक्यूल्स प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करते हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वर वेरी एक्साइटिंग, द प्रोपोजिशन एंड डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वॉज मोस्ट चैलेंजिंग। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन। फिजिसिस्ट का हमें जरूरत पड़ता, ऑर्गेनिक केमिस्ट का जरूरत पड़ा, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट सबका जरूरत पड़ा। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, कौन, इनका नाम था जॉर्ज गैमो, जो एक तरीके के फिजिसिस्ट थे, है ना, ध्यान रखना इस साइंटिस्ट का नाम। इट वॉज जॉर्ज गैमो अ फिजिसिस्ट हु आर्ग्यूड दैट सिंस दे आर ओनली फोर बेसिस। चूंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, सिर्फ फोर बेसिस हैं, कौन कौन से, एडेनिन, यूरासिल, गुआनोसिन एंड साइटोसिन, यही तो चार बेसिस हैं आरएनए के अंदर। सिंस देयर आर फोर बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, और इन चारों को मिलकर के अगर 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करना है, 20 अमीनो एसिड के लिए अगर हमें कोड करना है, द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस। ऑब्वियस सी बात है कि 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, नाइट्रोजन बेस कितने हैं, चार। अब इन चारों को मिलकर के 20 अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करना है, तो चारों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो अलग, अब डबल कॉम्बिनेशन बने, अगर सिर्फ सिंगल सिंगलेट रखते तो ए यू जी सी, सिर्फ कितना बन पा रहा है सिंगलेट में, चार। अगर दो दो का जोड़ा बनाते हैं तो अगर फोर का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन पा रहा है, 16। यानी अगर डबलेट करके हम रखते हैं इन नाइट्रोजन बेसिस को तो फिर अमीनो एसिड को कितना कोड कर पाएगा, 16। फिर भी अभी चार अमीनो एसिड का कोडिंग नहीं हो पा रहा है। देन हम तरीका क्या अपनाते हैं, ट्रिपलेट कोडोन का। ट्रिपलेट यानी तीन तीन नाइट्रोजन बेसिस का ग्रुप बनाते हैं, अगर इस तरीके से करते हैं तब कितना बन पाता है, 4 × 4 × 4, यानी टोटल नंबर ऑफ कोडोन कितने बन पाते हैं, 64। और बहुत आराम से पॉसिबिलिटी बनता हुआ अब दिखाई दे रहा है कि 64 कोडोन मिलकर के बहुत आराम से 20 अमीनो एसिड को कोड कर देगा। कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। दे रखा है, फिर से मैं लैंग्वेज पर आ रहा हूं, इट वॉज जॉर्ज गैमो अ फिजिसिस्ट हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली फोर बेसिस, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने बेसिस हैं, फोर बेसिस हैं, एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड, और इन्हें अगर 20 अमीनो एसिड को कोड करना पड़ेगा, द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस, ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमीनो एसिड, अगर 20 के 20 अमीनो एसिड को हमें कोड करना पड़ेगा, द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जो मैंने आपको यहां पर समझाया कि कोड हमेशा कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होना चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। क्यों, दिस वॉज अ वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to the power 3 would generate 64 codon, generating many more codons than required. हमें codon चाहिए कितना था, 20. 20 amino acid के लिए 20 codon चाहिए था, लेकिन हमें मिल कितने रहे, 64. तो ये तो more than sufficient है ना। अब यहां से कहानी और अच्छे से बढ़ता है, providing proof that the codon was a triplet. बहुत कीमती लाइन है, यहां से प्रूफ मिला कि जो कोडोन है, कोडोन कैसा होना चाहिए, ट्रिपलेट के फॉर्म में होना चाहिए। वाज अ मोर डॉन्टिंग टास्क, द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हर गोविंद खुराना, ध्यान रखना ये भी नाम,
द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाई हरगोविंद खुराना वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन, एक तरीके से काम आया हरगोविंद खुराना साहब का काम, इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। बाद में एक और साइंटिस्ट है मार्शल नीरेनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड, यानी दुनिया के सामने बताया कि यही कोड है जो अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के सिक्वेंस, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का सिक्वेंस है वो ऐसा हो पा रहा है। सेवोरा ओका एंजाइम, जिस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, इस एंजाइम का नाम भी ध्यान रखना है सेवेरो ओकिया एंजाइम, जो एक तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमेराइजिंग आरएनए विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। फाइनली अ सेकंड बोथ फॉर जेनेटिक कोड वॉज प्रिपेयर्ड विच इज गिवन इन टेबल 6.1। ए जेनेटिक कोड का टेबल है, इस टेबल के थ्रू टोटल 64 कोडोन्स का फॉर्मेशन किया गया। क्या किया गया? अब जो हमें पता है कि कोडोन किस फैशन में बनाया गया, ट्रिपलेट फैशन में, है ना, तीन कोडोन तीन पोजीशन बनाया गया। तो हम लोग इस साइड फर्स्ट को रखें, इस साइड सेकंड को रखें और इस साइड थर्ड को रखें, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हम लोग तैयार किए, जैसे इसका ए और यू, यू यू यू, फिर यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी, ऐसे करके टोटल 64 कोडोन बने और 64 कोडोन मिलकर के टोटल 64 कोडोन टोटल कितने अमीनो एसिड को कोड कर पा रहे हैं, तो 20 अमीनो एसिड को कोड कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी 64 कोडोन में कुछ कोडोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहां पर पहुंचोगे, जैसे आप यहां पर पहुंचोगे तो ए वाला कोडोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ए यू जी, जो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, ध्यान रखना है ए यू जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो तीन है, ये तीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तीन आपको दिखाई दे रहा है ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू ए ए, यू जी ए एंड यू ए जी, ये तीनों स्टॉप कोडोन है, ए यू जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार कोडोन के बारे में तो हमें याद रखना ही रखना है, बाकी और भी याद रखेंगे लेकिन ये चार के बारे में तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाने में किसका रोल है, तो ए यू जी, दैट इज वाई ए यू जी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। और ध्यान रहे जो स्टार्ट कोडोन है ये किस अमीनो एसिड को कोड करता है, तो मिथियोनीन को कोड करता है, ये किसे कोड करता है, तो मिथियोनीन को कोड करता है। और ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए जो टर्मिनेशन कोडोन है, इस टर्मिनेशन कोडोन का नाम क्या है, यू ए ए, यू ए जी एंड यू जी ए, ये तीनों के तीनों क्या है, तो स्टॉप कोडोन है, ठीक है। दैट इज वाई ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए ये जो अमीनो एसिड है, जो कोडोन्स है, इन कोडोन्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां से स्टार्ट होता है साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ये भी पॉइंट अपने को याद रखना पड़ेगा, 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखा है द कोडोन इज ट्रिपलेट, यानी जो कोडोन है किस फैशन में अरेंज है, ट्रिपलेट के फैशन में अरेंज है। 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड, यानी जो 61 कोडोन है वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन जो तीन कोडोन है, कौन, जो भी जस्ट मैंने बताया, तीनों UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, ये सीधा का सीधा क्या काम करते हैं, स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं, यानी 64 में से तीन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो अमीनो एसिड को कोड करने वाले कितने कोडोन हुए, तो सिर्फ 61, यही चीज दे रखा है कि 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, हेंस दे फंक्शंस एज अ स्टॉप कोडोन। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट, यानी कहने का मतलब क्या, कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो एक कोडोन से ज्यादा से कोड होते हैं, यानी कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो मोर देन 1 कोडोन के द्वारा कोड होते हैं, और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, दिस कोड इज नोन एज डीजेनरेट, और इसी फेनोमेनन के लिए क्या देते हैं,
जेनेटिक कोड हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डीजेनरेसी। डीजेनरेसी कहने का मतलब क्या कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोड होते हैं। क्लियर है? जैसे यहां पर ऊपर आप एग्जांपल देख लो यार, बहुत सिंपल एग्जांपल। जैसे मैं एग्जांपल ले लू वैलिन, वैलिन एक अमीनो एसिड है, ठीक है। ए एक अमीनो एसिड GUU इससे भी कोड हो रहा है, GUC इससे भी, GUA इससे भी, GUG इससे भी। यानी ध्यान रखना है कि जो कोडोन है कई सारे कोडोन मिलकर के एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, डीजेनरेसी या डीजेनरेट। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टिग्युअस फैशन। कॉन्टिग्युअस कहने का मतलब क्या, कंटिन्यूअस, है ना। ध्यान रहे कि दो कोडोन के बीच में कोई भी कॉमा, कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। जैसे मैं यहां पर दिखाऊं, ऊपर मैंने आपको दिखाया था लिखकर के, यहां पर आप देखो, है ना, ये जब मैंने लिखा था तो इसके बीच में कोई भी कॉमा है क्या, कोई भी फुल स्टॉप है क्या, कोई पंक्चुएशन मार्क है क्या, कुछ भी नहीं है। एक कंटिन्यूअसली लिखा रहता है, AUGC 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 ऐसा कुछ भी सीक्वेंस होगा, एक कंटिन्यूअसली लिखा होगा और ये जो कोडोन है ऑटोमेटिकली तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक बनता जाएगा, ठीक है। ये चीज यहां दे रखा है, द कोडोन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिग्युअस फैशन, यानी कंटिन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। द कोडोन इज, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या कि दुनिया के अंदर जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही कोडोन मान्य है, सब में ऐसा ही कोडोन होता है। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, UUU would code for phenylalanine। यानी जो UUU कोडोन है ये किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, phenylalanine। कहां से, बैक्टीरिया में भी वही करता है और ह्यूमंस में भी वही करता है। बैक्टीरिया यानी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट और ह्यूमन कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड इन सम प्रोटोजोअन्स। कुछ प्रोटोजोअन्स और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है तो वहां पर ये जेनेटिक कोड यूनिवर्सल रोल प्ले नहीं कर पाता है। AUG has a dual function। मैंने जस्ट बताया कि जो AUG है, AUG स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम कर रहा है और ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड भी करता है। दैट इज वाई एक तरीके से डबल फंक्शन कर रहा है। दे रखा है AUG has a dual function, it codes for methionine and it also act as a initiator codon। यानी initiator यानी start codon के रूप में भी ये काम कर रहा है और methionine amino acid को भी code कर रहा है। इसके बारे में भी ऑलरेडी बात हो चुका है कि UAA, UAG, UGA these are the stop और टर्मिनेटर कोडोन। ये क्या करता है, किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, लेकिन हाँ ये क्या करता है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, रोक देता है। दैट इज वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉप या फिर टर्मिनेटर कोडोन। दे रखा है इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाई इट। अगर ये सीक्वेंस है तो आप अमीनो एसिड के कोड को आप पता लगाओ। AUG आपको पता है कौन सा, UU, है ना। इस चार्ट देख करके हम पता लगा सकते हैं ये किन किन अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक है। AUG तो आपको पता है मिथियोनिन को कोड कर रहा है, ये तो सबको पता है, है ना। ये UUU किसको कर रहे हैं, UUU, तो यहाँ अपन देख सकते हैं UUU किसको कर रहा है, फेनाइलएलानिन। UUC फेनाइलएलानिन, UUV ल्यूसिन, UUG ल्यूसिन, है ना। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं यहां पर। नाउ ट्राई द अपोजिट, फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय mRNA। ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस अब दे दिया, ठीक है। प्रिडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, मिथियोनिन है इसका कोडोन क्या हो सकता है, mRNA का सीक्वेंस क्या हो सकता है, तो AUG। फेनाइलएलानिन का क्या हो सकता है, फेनाइल, ये आपको लिखना है, ठीक है। डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रिंट, नहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। कैन यू नाउ कोरिलेट विथ टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न, दो प्रॉपर्टीज को आप रिलेट कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि एक कोडोन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड, एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, लेकिन एक अमीनो एसिड कई सारे मोर देन वन अमीनो कोडोन के द्वारा कोड किया जा सकता है।
नेक्स्ट देखें म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। अगर बाय द वे म्यूटेशन हो जाए जेनेटिक कोड के अंदर तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूं, है ना, कि ए यू जी एक किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, मिथ्योनिन। ठीक है, सिर्फ म्यूटेशन का मतलब तो आप समझते होंगे चेंज हो जाना, है ना, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाना। अब जैसे इस एक जगह पर म्यूटेट करके आ जाए जी, अब एक क्या हो जाए, जी यू जी, एक छोटा सा म्यूटेशन हुआ है लेकिन पूरा का पूरा सेंस चेंज हो गया। अब एयूजी किसे कोड कर रहा था, मिथियोनिन को, लेकिन ये जीयूजी किसे कोड करता है, तो थोड़ा देखते हैं स्टार्ट में। जीयूजी यहां देखो आप, जीयूजी किसे कोड कर रहा है, वैलिन को कोड कर रहा है। जीयूजी किसे कोड कर रहा है, तो वैलिन को कोड कर रहा है। ये तो गड़बड़ स्थिति हो जाएगा ना यार, कि अगर एक छोटा सा भी म्यूटेशन हो गया तो सारा का सारा दिक्कत हो सकता है, सारा का सारा रायता फैल सकता है। यही चीज यहां पर दे रखा है। The relationship between genes and DNA are best understood by mutation studies. You have studied about mutation and its effect in chapter 5th. पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कॉम्प्रीहेंड। इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ये जो मैं डिस्कस किया एक तरीके से किसका एग्जाम्पल, पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट में चेंज हुआ, एक बदले क्या आ गया, जी, एयूजी जो कोड किसे करता था, मिथियोनिन को, कोड किसे करने लगा, वैलिन को। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन ऑफ और बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। अब मैं आपको यही चीज समझा देता हूँ देसी भाषा में। आपने कॉन्सेप्ट कभी ना कभी नाम जरूर सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया। नहीं सुने तो अभी सुन लो आप। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, कि जब हम नॉर्मल आरबीसी की बातें करते हैं, नॉर्मल आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर कितना चेन है, दो, एक अल्फा का और एक बीटा का, अल्फा और बीटा का भी दो दो चेन है। अब जो बीटा चेन है ना, बीटा चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर, बीटा चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर क्या प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, मिथियोन, जनरली क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूटामिन प्रेजेंट रहता है, जनरली क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूटामिन प्रेजेंट रहता है। अब ग्लूटामिन का आप देखो यहां पर, ग्लूटामिन का आप यहां पर देखो तो क्या है, जी ए जी, है ना, ये वाला प्रेजेंट है, जी ए जी, ठीक है, ग्लूटामिन प्रेजेंट है। अब ग्लूटामिन का क्या है, जी ए जी। अब सिर्फ एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है सिक्स्थ पोजिशन पर, जी ए जी की जगह पर क्या आ जाता है, जी यू जी, और जैसी जीयूजी आता है, जीयूजी किसे कोड करने लगता है, हमें पता है वैलिन को कोड करने लगता है, और इसके कारण आरबीसी का शेप जो बाइकॉनकेव होता था, आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। दे रखा है अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। यानी जो ग्लूटामिन था, इसी को ग्लूटामेट भी बोलते हैं, ग्लूटामिन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वैलिन में, यानी जो ए था ए के बदले क्या आ गया, यू, और सारा का सारा खेल हो गया। इट रिजल्ट्स इन टू अ डिजीज कंडीशन दैट इज कॉल्ड द सिकल सेल एनेमिया। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट अ बेस इन अ स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाई द फॉलोइंग सिंपल एग्जाम्पल। कंसिडर स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ईच हैविंग थ्री लेटर लाइक जेनेटिक कोड। जैसे राम हैज रेड कैप, ठीक है, इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड, जैसे हैड और रेड के बीच में हमने क्या किया, एक लेटर बी को यहां पर ऐड कर दिया। अब जेनेटिक कोड है ना, ये तो ऑटोमेटिकली तीन तीन को रीड करेगा, तीन तीन के ग्रुप को रीड करेगा, यानी राम तो सही है, हैज भी सही है, लेकिन अब जो रेड था, रेड रीड नहीं करेगा, अब क्या रीड करेगा, ब्री, और जो कैप था, कैप नहीं, अब हो गया डीसीए, और पी रह गया सिंगल, है किसी भी चीज को कोड नहीं करेगा। यानी जो रेड किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, कैप किसी अमीनो एसिड को कोड कर रहा था, अब ये दोनों किसी चीज को कोड करेगा ही नहीं, या तो फिर किसी दूसरे चीज को कोड करने लगेगा, लेकिन गड़बड़ हो गया ना। सिमिलरली इफ वी नाउ इंसर्ट टू लेटर, अब बी आई हमने इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, राम हैज, ये दोनों तो सही है, लेकिन अब क्या हो गया, बी आर आई, बीर ईडीसी, और ये
फिर से किसी चीज को कोड नहीं करेगा, और ये दोनों या तो कोड नहीं करेगा या तो किसी दूसरे चीज को कोड करने लगा। अब हम अगर तीन लेटर ऐड कर देते हैं, राम हैज बिग रेड कैप, यानी अब ये दोनों नॉर्मल कोड करने लगा, ये दोनों जैसा नॉर्मल कोड करने लगा, एक इसमें नया एडिशन हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी अगर किसी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो या दो का हो, तब दिक्कत होगा, तब चेंजेज होगा। लेकिन अगर तीन न्यूक्लियोटाइड का हो जाए, छह न्यूक्लियोटाइड का अगर सीक्वेंस में हो जाए, तब कोई भी चेंजेज नहीं होगा, बल्कि जो ऐड हुआ वो अपने आप को नए तरह से एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाई डिलीटिंग द लेटर आर ई डी वन बाई वन एंड रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट टू मेक अ ट्रिपलेट वर्ड। देन द कंक्लूजन फ्रॉम द एवब एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। इंसर्शन और डिलीशन, लाइन बहुत कीमती है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। हाउएवर सच म्यूटेशन आर रिफर्ड टू एज, ऐसे म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और इट्स मल्टीपल बेसिस, मल्टीपल कहने का मतलब क्या, थ्री हो गया, सिक्स हो गया, नाइन हो गया, ट्वेल्व हो गया, फिफ्टीन हो गया, अगर कुछ इस तरीके से रेगुलर फैशन में अगर एडिशन या डिलीशन किया जाए, इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडोन हेंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड, कोई भी दिक्कत नहीं होगा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। क्लियर है? नाउ इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, टीआरएनए, जिसे हम लोग एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी बोलते हैं। एडेप्टर मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या, एडेप्टर यानी अडेप्ट करवाना, जोड़ने की बातें करते हैं, है ना। ध्यान रहे, यही टीआरएनए है जो अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, दो अमीनो एसिड को आपस में जुड़वाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, और एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, आगे चल करके पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करवाता है। और पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। दे रखें इसके लैंग्वेज के बारे में, टीआरएनए का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान रखना है। दे रखें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड, यानी उस कोड को रीड करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू द अमीनो एसिड, और उन कोड को अमीनो एसिड के साथ लिंक करने के लिए कोई ना कोई जरिया होना चाहिए, बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली। ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन अदर हैंड वुड बाइंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। यानी जो टीआरएनए है, जिसे अडेप्टर मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ये टीआरएनए एक तरफ क्या कर रहे हैं, कोड को रीड भी कर रहे हैं, on one hand read the code but on the other hand would bind to a specific amino acid, code ko read karne ke baad specific amino acid ke sath bind bhi karta hai. The tRNA then called sRNA, s for soluble RNA, was known before the genetic code was postulated, however its role as an adapter molecule was assigned much later. ab tRNA ke paas hota kya kya hai, to ab dekho yaar, tRNA has an anticodon loop. tRNA के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होता है, जैसे ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे यही है एंटीकोडोन लूप, दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। अब ये एंटीकोडोन लूप है, अब ये एंटीकोडोन किससे कोड करेगा, कोडोन के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है। अपने साथ क्या लाया, एक अमीनो एसिड को लाया, अमीनो एसिड फिलहाल इसके पास कौन है, सेरीन। सेरीन कहाँ बाइंड होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है tRNA के 3 प्राइम एंड पर बाइंड होता है, 5 प्राइम एंड हमेशा फ्री रहता है, ये कैसा रहता है, तो फ्री रहता है, है ना। दे रखा है, tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code and it is also has an amino acid acceptor end, ये वाला जो एंड है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड, जहां पर अमीनो एसिड क्या किया, बाइंड किया। और ध्यान रहे, अमीनो एसिड हमेशा कहां बाइंड करता है, तो टीआरएनए के 3 प्राइम एंड पर। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, ये भी लाइन बहुत काम का है, कि जो हर एक टीआरएनए है, हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन प्रोसेस के लिए देयर इज
अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज नोन एज इनिशिएटर टीआरएनए। देर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। हाँ, स्टार्ट करने के लिए जरूर टीआरएनए होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए। इन फिगर 6.12 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। ये जो टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देता है, क्लोवर लीफ, लॉन्ग के पत्ते के जैसा दिखाई देता है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल व्हिच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, है ना। ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देता है, इन्वर्टेड एल की तरह दिखाई देता है। ये भी लाइन हमें याद रखना है। ये तो हुआ जेनेटिक कोड की बात। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे, इस तरीके के लाइन टू लाइन एनसीईआरटी सीरीज को पाने के लिए और अच्छे अच्छे बायोलॉजी के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। मिलते हैं फिर।